नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेशनल स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए, जिसमें आपको 20 प्रश्न जो है मिलने वाले हैं। तो 20 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं जरूर बताइए कमेंट करके। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश सर्वाधिक विक्षेपित होता है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश सर्वाधिक विक्षेपित होता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। देखिए, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इसमें बैगनी रंग का जो विक्षेपण सबसे अधिक होता है। आपको याद कर रखना, देखिए, जो हमारा विबग्योर बनता है, यानी कि जो इंद्रधनुष का हमारा रंग क्या बनता है, विबग्योर। तो आपको याद रखना, देखिए, वी से हमारा होता है वॉयलेट, यानी कि बैगनी। बैगनी रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है, और सबसे कम की बात करें, देखिए, जो रेड यानी कि लाल रंग है, यह सबसे कम विक्षेपित होता है। यानी कि आप सभी को पता होगा कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल रंग क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो रेड कलर है, इसका प्रकाश सबसे कम विक्षेपित होता है, इसलिए दूर से ही दिखता है। इसलिए जो रेड हमारा है, सिग्नल पर भी लगाया जाता है, ये सब आपको याद रखना है। और वॉयलेट जो है, यानी कि बैगनी है, इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। दोस्तों, इस वीडियो के PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलती है, तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट में जाकर सर्च करिए डायरेक्शन स्टडी पॉइंट, वहाँ से आपको जो है रेगुलर PDF मिल जाया करेगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के मध्य उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दो प्रमुख फसलों के मध्य उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सबसे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो दो फसलों के मध्य में उगाई जाती है, उसे हम कैच क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दो फसलों के मध्य उगाई जाती है और कम समय में पकने वाली फसल होती है, उसे हम कैच क्रॉप कहते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न होता है? यानी कि जो आकाश का नीला रंग है, वह किस कारण उत्पन्न होता है? विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर बुवण। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप दोस्तों अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। जो प्रकाश का, जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तो जिन लोगों ने भी सी को चुना है, उनका जवाब बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चौथा प्रश्न। इमली में मुख्य अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो देखिए, आप सभी को पता होगा, काफ़ी ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। देखिए, जो इमली है, इमली में मुख्य रूप से टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है, उनका जवाब राइट हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम फार्मिक अम्ल की बात करें। देखिए, फार्मिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो बिच्छुओं के डंक में जो है, या चींटियों के डंक में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पांचवा प्रश्न देखिए हमारा क्या है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक का एक उत्तम उदाहरण क्या है? देखिए, यहाँ पर अर्धचालक की बात की जा रही है, पाँचवा प्रश्न है। तो अर्धचालक का जो एक उत्तम उदाहरण है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें चालक यानी कि कंडक्टर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, सिल्वर यानी कि चांदी जो है, यह चालक का सबसे अच्छा जो हमारा है चालक माना जाता है, कौन सा? सिल्वर यानी कि चांदी। तो इस प्रश्न का जिन लोगों ने भी डी चुना, उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। देखिए, छठा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ कुछ जीवों के नाम है, एक तरफ उनके वर्ग लिखे हैं, तो कौन से सम्मिलित नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, कीट वर्ग में है, बिल्कुल सही है। छिपकली सरीसृप वर्ग में आता है, ये बिल्कुल सही है। और मेढक जो है उभयचर वर्ग में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, देखिए, ब्लू वेल जो लिखा है, मत्स्य वर्ग। देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जो ब्लू वेल है, यह मत्स्य तो होता है, लेकिन इसे स्तनपाई के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? स्तनपाई होते हैं ब्लू वेल जो होते हैं, स्तनपाई होते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, सही सम्मिलित नहीं है। सी चुनने वालों का जो जवाब है इस प्रश्न में राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए क्या है। हमारे शरीर की किस ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? किस ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का? तो देखिए, अंतःस्रावी तंत्र का जो पेसमेकर कहा जाता है, वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, थायराइड को। देखिए, जो थायराइड है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर कहा जाता है। देखिए, अब ग्रंथियों की बात आई है, तो यहाँ पर एक आपको याद रखना होगा
कि हमारे शरीर में जो मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा जो पीयूष ग्रंथि होती है, आप सभी को पता होगा जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न देखिए क्या है, किस यंत्र का प्रयोग वाष्पोत्सर्जन मापने में होता है, तो आप सभी अपना जवाब देंगे कि किस यंत्र का प्रयोग वाष्पोत्सर्जन मापने में होता है, तो आठवें प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटोमीटर। देखिए जो पोटोमीटर होता है इसका प्रयोग वाष्पोत्सर्जन के मापन में होता है, तो अगर आपने ए को चुना था तो आपका जवाब जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आप सभी प्रश्न का जवाब जरूर मन में सोचिएगा और अपना स्कोर हमें अंत में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हल्दी में पाया जाने वाला विशिष्ट रासायनिक संघटक क्या है, यानी कि हल्दी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो कुरकुमिन है, क्या है, हल्दी में कुरकुमिन नामक एक जो है संगठन पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, तो इस पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हल्दी में कुरकुमिन नामक जो है एक तत्व पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम सोलेनिन की बात करें, देखिए सोलेनिन कहाँ पाया जाता है, जो आलू में हरा रंग होता है, आलू में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, आलू में हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, अगर पूछा जाए कि आलू में कौन सा तत्व पाया जाता है तो सोलेनिन आपका जवाब करेक्ट होगा। और अगर एंथोसाइनिन की बात करें तो देखिए जो गाजर का लाल रंग होता है, गाजर में जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन के कारण ही होता है, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कुरकुमिन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दसवां प्रश्न, हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट किस सामान्य नाम से जाना जाता है। देखिए हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट किस सामान्य नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए हेमीहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का जो सामान्य नाम है वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने चुना उनका जवाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये क्या है, ग्यारहवां प्रश्न हमारा है, यकृत निम्नलिखित में से किस रासायनिक रूप में भोजन का भंडारण करता है, जो यकृत यानी कि जो हमारा लीवर होता है वह किस रासायनिक रूप में हमारे भोजन का जो है शरीर में भंडारण करता है, तो ग्यारहवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत हमारे शरीर में रासायनिक भोजन का भंडारण करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारहवां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल नहीं है। देखिए यहाँ पर दलहनी फसल की बात हो रही है, तो हमारा देखिए मूंग क्या है दलहनी फसल है, मटर भी दलहनी फसल है और लोबिया भी दलहनी फसल है, लेकिन जो तोरिया है यह दलहनी फसल नहीं है, बल्कि तोरिया क्या होता है एक सब्जी होती है, तो दलहनी फसल कौन सा नहीं है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें कि दलहन के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है, तो दलहन के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का स्थान पहला है, यानी कि भारत में दलहन का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, और भारत में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में दलहन का उत्पादन जो है एक राज्य के तौर पर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में दलहन का उत्पादन होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, स्टेटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेत्रदान में प्रदाता की आँख के किस हिस्से का प्रयोग होता है, यानी कि जब नेत्रदान किया जाता है तो किस हिस्से का दान किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। देखिए नेत्रदान में जो दाता होता है उसके कॉर्निया का ही जो सिर्फ प्रयोग किया जाता है, किसका, कॉर्निया, जो हमारा यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखिए जो गोल कृमि होता है इससे होने वाला जो रोग है उसका नाम है फाइलेरियासिस, क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फाइलेरियासिस रोग जो है गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होता है, तो जिन लोगों ने भी ए चुना होगा उनका जवाब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पंद्रहवां प्रश्न, विज्ञान की किस शाखा में घासों का अध्ययन किया जाता है। देखिए घासों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो घासों का अध्ययन है वो एग्रोस्ट्रोलॉजी में किया जाता है, किसमें, एग्रोस्ट्रोलॉजी में जो है घासों का अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सोलहवां प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सोलहवें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए जी टॉम्सन। देखिए सबसे पहले इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो परिकल्पना दिया था, संकल्पना दिया था, वो थे ए जी टॉम्सन, तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनका जवाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सत्रहवां प्रश्न, फाइब्रिनोजन कहाँ बनता है। देखिए फाइब्रिनोजन कहाँ बनता है, सत्रहवां प्रश्न हमारा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत में। देखिए जो फाइब्रिनोजन है वह यकृत यानी कि लीवर में बनता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
18वां प्रश्न हमारा है कि बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बेरी बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। किसके? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनका जवाब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइसिन। देखिए जो ग्लाइसिन होता है यह एक अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, कामिनी और अप्सरा क्या है अंगूर की उन्नत किस्में, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय पनडुब्बियाँ या फिर नाभिकीय मिसाइलें। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कामिनी और अप्सरा जो है यह दोनों नाभिकीय रिएक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न ऐसे लिए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आपको याद रखना कि हमने आज 100 लाइक का जो है टारगेट रखा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करिएगा इसे, और आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आप जो है एग्जाम में आपका जो अच्छा स्कोर हो आप सिलेक्शन जरूर मिले। दोस्तों आपको इतना करना है, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर अगर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।